हेलो गाइस, सो अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, सिस्टम आर्किटेक्चर टाइप्स। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है। इससे पहले मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा यूनिट वन की, इसको अच्छे से समझने के लिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सो इसको ये होता क्या है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, काफ़ी सारे नोड्स होते हैं, डेट्स ऑल। बट इसके कुछ मॉडल्स होते होंगे ना, मतलब हम कैसे बनाएंगे, तो वो जो मॉडल्स हैं ना वो यही टॉपिक है। टोटल 5 तरह के मॉडल होते हैं, मिनी कंप्यूटर, वर्कस्टेशन सर्वर मॉडल, प्रोसेसर पूल मॉडल एंड हाइब्रिड मॉडल। तो इसको हम एक ही करके पढ़ेंगे। तो हम इसके मेनली हम इसके डायग्राम पे कंसर्न करेंगे, टेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है मिनी कंप्यूटर मॉडल। ठीक है, सो मिनी कंप्यूटर मॉडल क्या होता है, बेसिकली आपका ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था एक कम्युनिकेशन नेटवर्क था, मल्टीपल नोड्स थे, ये नोड्स हैं सब मल्टीपल नोड्स। ठीक है, अब ये जो सब आप देख रहे होंगे नया, ये लचीला क्या है ये सब, तो ये बेसिकली क्या है, टर्मिनल्स इन द सेंस, आप ये समझ लो यूजर्स हैं ये सब। ठीक है, यह सिंपल कंप्यूटर नहीं, मिनी कंप्यूटर है। एक आपने पढ़ा होगा सुपर कंप्यूटर, एक होगा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में काफ़ी सारे प्रोसेसर्स होते हैं, तो वही ये मिनी कंप्यूटर है, इसमें 3 यूज़र्स हैं। ये एक मिनी कंप्यूटर है, इसमें 4 यूज़र्स हैं। ठीक है, ये एक मिनी कंप्यूटर है, इसमें 5 यूज़र्स हैं। ठीक है, तो यही है, इस टाइप के हम यू कैन से इस टाइप के हम मॉडल क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर मॉडल, जिसमें मिनी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क में, और हर एक मिनी कंप्यूटर में टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स आर नथिंग बट आर यूज़र्स। ठीक है, होता है मिनी कंप्यूटर। फिर आता है हमारा वर्क स्टेशन मॉडल। ठीक है, वर्क स्टेशन मॉडल क्या होता है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं वर्क स्टेशन मॉडल क्या होता है, तो बेसिकली इसको आप देखिए, ये पूरा एक वर्क स्टेशन मॉडल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो एक वर्क स्टेशन है ना, ये क्या क्या कंटेन करता है, ये एक वर्क स्टेशन को आप समझ लीजिए एक कंप्यूटर होता है। इसका एक खुद की रैम है, हार्ड डिस्क है, और सब कुछ खुद का है। ठीक है, और ये समझ लीजिए एक पीसी को एक यूज़र यूज़ कर रहा है। ठीक है, जितने वर्क स्टेशन उतने यूज़र्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यूज़र्स 8 वर्क स्टेशन, याद रखिएगा। हर एक वर्क स्टेशन को के पास अपना खुद का रैम है और हार्ड डिस्क है, जो भी उसके लोकल रिसोर्स हैं वो सब है उसके पास, हर वर्क स्टेशन के पास। ठीक है, सो ये होता है हमारा, और ये सारे वर्कस्टेशन कनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क से, दैट्स ऑल। ये होता है हमारा सेकंड टाइप, वर्कस्टेशन मॉडल। अब देख लेते हैं थर्ड मॉडल, ये होता है वर्कस्टेशन सर्वर मॉडल। ये क्या होता है अब, तो सो इसको देख ले, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमारा जो ये है ना वर्कस्टेशन सर्वर मॉडल, इसमें हमारे है ना ये यू कैन से ये कॉम्बिनेशन है वर्क स्टेशंस का और मिनी कंप्यूटर का। ये तीनों मिनी कंप्यूटर हैं और ये सब है हमारे वर्क स्टेशन। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल। ये वर्क स्टेशंस हैं, ये सर्वर्स हैं, मिनी कंप्यूटर को सर्वर्स हैं। ठीक है, तो वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, जो वर्क स्टेशन होते हैं ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप के कैसे हैं, ये वर्क स्टेशन है, अगर इस वर्क स्टेशन में डिस्क है, ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे डिस्क फुल। ठीक है, डिस्क फुल। अगर इस वर्क स्टेशन में डिस्क नहीं है तो इसको हम कहेंगे डिस्क लेस वर्क स्टेशन। ठीक है, तो वर्क स्टेशन दो टाइप के हो गए, एक हो गया डिस्क फुल वर्क स्टेशन, एक हो गया डिस्क लेस वर्क स्टेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारे वर्क स्टेशन है और मिनी कंप्यूटर्स हैं, एक है फाइल सर्वर के लिए, एक है डेटाबेस सर्वर के लिए, एक है प्रिंट सर्वर के लिए, ऐसे डैश 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 आप जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सर्वर्स ले लीजिए। और ये हमारे हैं यूज़र्स, जिसके यहाँ किसी के डिस्क है, किसी के डिस्क नहीं है, तो इसको हम कहते हैं वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल। फिर आता है हमारा पूल्ड, ठीक है, प्रोसेसर पूल्ड नेटवर्क। ये क्या होता है बेसिकली, इसको आप ऐसे समझिए, सो इसको ऐसे समझिए, आपके पास ये है, ठीक है, इसमें आपके काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, हर एक या कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इस कम्युनिकेशन नेटवर्क में आपके ये सब क्या हैं, डायरेक्ट यूज़र्स हैं। ठीक है, अब ये यूज़र्स हैं, इनको है ना
हमेशा प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए इनको, कभी तो बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, कभी तो थोड़ी प्रोसेसिंग पावर चाहिए। तो हमने देखिए यहाँ पे एक यू कैन से प्रोसेसर का पूल है यहाँ पे, तो ये सब प्रोसेसर है, पूल ऑफ प्रोसेसर यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारे सर्वर्स हैं, ठीक है। तो अब जैसे सपोज से इस यूज़र को बहुत सारी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, इसमें से कुछ कितने भी ले लेगा प्रोसेसर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेगा। कभी इसको एक भी जरूरत, कभी इसको एक की ज़रूरत एक ले लिया, कभी एक की ज़रूरत ने एक भी नहीं लिया, तो वो डिपेंड करेगा। तो ये क्या है, प्रोसेसर ओरिएंटेड मॉडल है कि प्रोसेस कित उसको कितनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, उस हिसाब से यूज़ कर लेगा, ठीक है। ये हो गया, अब पढ़ते हैं लास्ट वन, हाइब्रिड मॉडल। तो हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, ये बहुत एडवांटेज ले लेता है वर्कस्टेशन मॉडल प्रोसेसर पूल के, और बन जाता है हाइब्रिड मॉडल। दैट्स ऑल, इतना याद रखिए, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमने सारे मॉडल्स पढ़ लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करिए अगर कोई डाउट है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।